में रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग की समाप्त होगी। इसी पर मजीद जानेंगे मोहम्मद सकलैन जावेद से। मोहम्मद सकलैन जावेद बताइएगा। मियां शहबाज शरीफ और दीगर मेहमान कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पहुंच गए हैं। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग की समाप्त होगी और साथ ही साथ हमजा शहबाज भी एहतसाब अदालत में पहुंच गए हैं। आज उनकी भी पेशी थी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ साथ एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन जावेद से। सकलैन जावेद बताएगा, हमजा शहबाज भी पहुँच गए हैं और शहबाज शरीफ भी पहुँच गए हैं। ये भी रमजान शुगर मिल में केस के हवाले से जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद वो कमरा अदालत में आएंगे। हाँ, एहतसाब अदालत के जज मजमल हसन इस केस पर मजीद समाअत करेंगे। इस वक्त कमरा अदालत में फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवई और दीगर मुजमान कमरा अदालत में मौजूद हैं। इन मुजमान पर अरबों रुपए के इस्तेमाल करते कौमी सारे पहुंचाने का इल्जाम है। इस केस पर साहब अदालत के जज समाप्त करने जा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस है, जिसमें उन पर आज अगर जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने बतौर वजीर आला अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते कौमी खजाने को 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया था।